सो हे गाइस, स्वागत आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भी NBCC इंडिया लिमिटेड को लेकर। आप लोग देखो कि NBCC इंडिया लिमिटेड में हमें सुबह काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी। जो स्टॉक है वो एक जो नबी एक अच्छी रैली दिखाई थी, 4-4.5% के करीब स्टॉक में जो नबी तेज़ी देखने को मिली थी। और वो तेज़ी आप लोग देखोगे भी क्यों बनी, क्योंकि एक तो इसकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है नंबर एक कारण, दूसरा आप लोग देखो स्टॉक ऑलरेडी करेक्शन में मिल रहा था, ठीक है, दो कारण, तीसरा ब्रेकआउट स्टॉक में आया था ट्रेंड लाइन का पीछे, ठीक है, तीन कारण हो गए। और उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है इसकी। एक PSU स्टॉक है जिसके अंदर आप लोग देखोगे भी काफ़ी टाइम पहले एक ज़बरदस्त रैली बनी थी, उस गिरावट के बाद अभी टाइम जो डिमांड है यहाँ पर वो थोड़ी बढ़ रही है। तो आपको पता भी मार्केट में डिमांड सप्लाई का गेम है सारा, ठीक है, डिमांड होगी तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, अगर जहाँ पर सप्लाई होगी तो स्टॉक का प्राइस टूटेगा। जैसे कि आर पावर है, आर पावर आप लोग देखो 60% चढ़ने के बाद अभी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है उसके अंदर। स्टॉक पिछले 2-3 दिन से लगातार टूट रहा है लगातार। तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा समझ के आगे के बारे में सोचना है। देखो भाई, सबसे बड़ी बात तो एक प्रीवियस मार्च क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आए थे तो दिसंबर क्वार्टर के, उस समय 55,000 करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक थी, ठीक है। और उसके बाद तो आप लोग देखोगे कंपनी ने कितने ऑर्डर विन किए हैं। तो इसकी जो ये ऑर्डर बुक है ना, अभी के टाइम जो ना अभी पहुंची पाएगी 60,000 करोड़ से आप लोग देखोगे 65,000 करोड़ के आसपास आई थिंक पहुंची रहनी चाहिए अभी का जो ना भी डाटा देखते हुए, जिस प्रकार से पीछे कंपनी को ऑर्डर मिले थे। तो इस ऑर्डर बुक को देखते हुए, इतनी स्ट्रांग ऑर्डर बुक को देखते हुए हम यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं अगले 1-2 साल के लिए। और स्टॉक का डबल होना यहाँ से तय है भाई, ठीक है। तो अगले 1-2 साल में अगर स्टॉक यहाँ से डबल होता है 100% का प्रॉफिट यहाँ पर आपको मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखिए, पैसा बनेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन है वहाँ पर, तो देखो भाई आपको पता है 90% लोग बोलते हैं कि हमने जो अभी पैसा गंवाया, और गंवाते भी 90% प्लस ही है। अगर वो 90 नहीं गंवाएंगे तो 10% बच्चे जो है वो कमाएंगे कैसे। तो भाई मैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहता हूं, और आपको भी यही सलाह दूंगा, अभी इक्विटी में ट्राई करो, ठीक है। अगर अच्छी न्यूज़ वगैरह आते हुए नजर आए तो वहीं पर कर लो भाई ऑप्शन ट्रेडिंग जो करनी है आपको, ठीक है, इंट्राडे करना है, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग करना है तो वहाँ पर करो। इक्विटी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रहते हैं। मान लीजिए आज हमने जो है अभी स्टॉक को खरीद लिया और ये 20% टूट गया, अगर कंपनी अच्छी है तो उसके चांस रहेंगे 20% फिर से रिकवरी देने के। लेकिन एक बार अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे लग गए तो उसके बाद एक्सपायरी है, बाद में कोई मौके नहीं है। तो फ्यूचर ऑप्शन से भाई देखो थोड़ा सा संभल के रहोगे सही है ऑप्शन ट्रेडिंग से, तो ठीक है। तो चलिए भाई आप देख लेते हैं इसके आगे के कैसे रहेंगे लेवल, ब्रेकआउट के बाद क्या ये शेयर ऊपर में आपको 150 प्लस के मूव दिखा पाएगा रिजल्ट से पहले या फिर नहीं। अगर हाँ तो नीचे में किस सपोर्ट के साथ आगे के लिए ट्राई करें, 2,43,00,000 के आसपास के जबरदस्त वॉल्यूम भी आई। चलिए देखते हैं इसका डाटा और चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग जो भी NBCC का जो डाटा देखने को मिला, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी 135, ओपन हुआ ये 135.85 रुपये पर। हाई स्टॉक ने जो लगाया भी वो देखोगे 141.55 का जबरदस्त रैली स्टॉक में बनी। स्टॉक में सुबह सुबह करेक्शन भी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद जो तेजी आई है वो आउटस्टैंडिंग आई है, जबरदस्त आई है, ठीक है। और बिजनेस टुडे की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आपने देखे होंगे, मैंने वीडियो जो डाला था सुबह वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो भी 150 रुपये तक के आसपास के जो ना टारगेट ऊपर में दिए गए हैं। तो यहाँ से स्टॉक में अच्छे मूव आने की संभावना है, ट्राई कर सकते हैं। 6,000 लगभग 7,000 के आसपास का एक सेल ऑर्डर है, लेकिन डिलीवरी पोजीशन आप लोग देखोगे 37% के आसपास काफ़ी अच्छी डिलीवरी उठते हुए नजर आई है। तो 6-7 हज़ार का सेल ऑर्डर कुछ खास नहीं है। चलिए अब देखते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखो स्टॉक अभी भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर बना हुआ है, एक जबरदस्त रैली स्टॉक में आई थी, ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था ट्रेंड लाइन का। आप लोग देखोगे ऊपर से जो स्टॉक है वो एक डाउन ट्रेंड बनाते हुए नजर आया था, यहाँ पर जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया ना भाई वो जबरदस्त, और उसके बाद जो स्टॉक है वो डटने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। आप लोग देखोगे भी पहला जो टारगेट था 125 के आसपास का मिला, उसके बाद आप लोग देखो सेकंड टारगेट 130 के आसपास का था वो भी यहाँ पर मिला। अभी टाइम जो सपोर्ट पे आपको काम करना हुआ अभी 132 का, ठीक है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए। और जिसको रिस्क लेना भी हाँ अगले 3 महीने के लिए हम होल्ड कर रहे हैं, तो 125 के सपोर्ट के साथ काम कीजिए। और ऊपर में पहला टारगेट हमारा रहेगा अभी 150 का, 150 को ब्रेक करके सस्टेन कर गया स्टॉक, एक फ्रेश हाई के लिए तैयारी कर चुका होगा जो कि 180 प्लस की रहने वाली है। तो यहाँ से हम ट्राई कर सकते हैं अभी, क्योंकि रिजल्ट्स पीछे भी अच्छे आए थे और अब भी अच्छे आने की संभावना है पूरी की पूरी। और बाकी जैसे कोई अपडेट आएगी रिजल्ट्स की रिगार्डिंग
या फिर रिजल्ट डेट है वो अब तक तो अनाउंस हुई नहीं है, अभी जैसे अनाउंस हो जाएगी वो भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।